के चंद्रशेखर राव नीतीश कुमार से मिलने पटना गए, लेकिन नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिलने को लालायित थे, इसलिए केसीआर को किनारे लगाकर वे पहली फुर्सत में दिल्ली पहुंचे। सब मिले, क्या लेफ्ट, क्या केजरीवाल और क्या दूसरी पार्टियां, लेकिन सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इस बात का अफसोस उन्हें रहा और वे जल्दी ही दिल्ली आएंगे। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी के लिए फील्डिंग सजा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जिन्होंने सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस के खिलाफ हैं। लेकिन नीतीश कुमार जैसे क्षेत्रीय नेताओं से उन्हें कोई परहेज नहीं है। अब सवाल यह कि क्या राहुल को छोड़ नीतीश कुमार ममता बनर्जी के लिए सियासी गोटियां सेट करेंगे? ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता के लिए एक तरह से नीतीश कुमार को बड़ा संदेश दिया है। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वे नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव के साथ मिलकर मोर्चा बनाएंगे और 2024 में भाजपा को हराएंगे। लेकिन इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट को साथ लेने का जिक्र नहीं किया। ममता बनर्जी ने टीएमसी की बैठक के दौरान कहा कि नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की वकालत करते हुए क्षत्रपों को साथ लेकर मोर्चा बनाने की पहल करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के अलावा अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और अन्य नेता भाजपा को 2024 में सत्ता से बेदखल करने के लिए एक साथ आएंगे। इस तरह एक तरफ हम सब होंगे और दूसरी तरफ भाजपा। भाजपा का 300 सीटों का अहंकार उसकी दास्ता होगी। भाजपा पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो 300 की बात कर रहे हैं उन्हें हम इन्हीं 5 राज्यों में 100 सीटों का झटका देंगे। ममता ने दावा किया कि भाजपा अपने अहंकार और लोगों के गुस्से के कारण घोर पराजय का सामना करेगी। हम नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और कई अन्य लोग 2024 में एक साथ आएंगे। सभी विपक्षी दल भाजपा को हराने के लिए हाथ मिलाएंगे। 2024 में खेला होगे। ममता ने साथ ही नया नारा देते हुए कहा कि और नहीं दरकार भाजपा सरकार। ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय में आया जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस के सियासी आधार को मजबूत करने के लिए निकले हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, ओम प्रकाश चौटाला और शरद यादव समेत कई नेताओं से मुलाकात कर विपक्षी एकता का ताना बाना बुना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर खुद नीतीश से मिलने पटना गए थे। आरजेडी पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है। कांग्रेस ने बिहार सरकार को समर्थन दे रखा है। नीतीश जिस तरह विपक्षी एकता की जो तस्वीर बना रहे हैं उससे क्षेत्रीय दलों के साथ साथ कांग्रेस भी शामिल है। यही वजह थी कि नीतीश ने दिल्ली में सबसे पहले राहुल गांधी से मिले और वापस पटना पहुंचने पर कहा कि सोनिया गांधी बाहर थी और उनसे मिलने के लिए दोबारा से दिल्ली जाएंगे। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से पहले जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा था कि बिना कांग्रेस और वाम दल के भाजपा के खिलाफ मजबूत लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, इसलिए विपक्षी पार्टियों को आपसी मतभेद मिटाकर एक साथ आना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ जो गठबंधन बने उसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया जाए, लेकिन जेडीयू इससे सहमत नहीं है। जेडीयू का मत है कि देश में कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। ममता बनर्जी ने भले ही नीतीश, अखिलेश, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की बात कर रहे हों, लेकिन वो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की बात नहीं की है। इसके अलावा ममता ने हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव में खुद को बाहर रखकर भाजपा की मदद की थी और आरएसएस की तारीफ की थी। ऐसे में उसके बाद ममता बनर्जी के बारे में विपक्षी खेमे के लोगों की धारणाएं बदलती दिखी। दरअसल ममता बनर्जी, केजरीवाल और केसीआर तो कांग्रेस की अगुवाई वाले किसी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की कांग्रेस और लेफ्ट से लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।